अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, माउस और दीगर पॉइंटिंग डिवाइसेस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज की निशानदेही की जाती है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। इस तरह के सिंबल को पॉइंटर कहते हैं और इसको स्क्रीन पर कंट्रोल यानी काबू करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस ज्यादातर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ऐसे इंटरफेस जिसके अंदर मेन्यूज, आइकन्स, स्क्रॉल बार्स और दूसरी चीजें मौजूद हों जिनका यूजर इंतखाब कर सके। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले माउस, ट्रैकपैड, ट्रैकबॉल, पॉइंटिंग स्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, टचपैड, लाइट पैन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, पैन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। आइए हम बारी बारी इन डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है माउस। छोटा और हल्का वजन होने की वजह से ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके जरिए स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज की निशानदेही की जा सकती है। माउस के निचले हिस्से में एक छोटी सी बॉल होती है जिसके जरिए स्क्रीन पर मौजूद इस पॉइंटर की हरकत को काबू किया जाता है। आमतौर पर माउस में दो या फिर तीन बटन्स पाए जाते हैं। मार्केट में आजकल वाइड यानी तार वाले और वायरलेस यानी तार के बगैर माउस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि माउस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले क्लिकिंग। जब हम माउस के इस बटन को दबाते हैं तो इसके अंदर से क्लिक की आवाज आती है जिसको क्लिकिंग कहा जाता है। माउस में दो बटन मौजूद होते हैं, राइट क्लिक यानी राइट बटन को दबाने के अमल को राइट क्लिकिंग कहा जाता है और लेफ्ट बटन के दबाने के अमल को लेफ्ट क्लिक कहा जाता है। तो दोस्तों राइट क्लिक के जरिए हम स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को इंतखाब कर सकते हैं, किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं, किसी भी लिंक को खोल सकते हैं और स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। और राइट क्लिक की मदद से हम स्क्रीन पर इजाफी इंफॉर्मेशन को ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी इस तरह की मेन्यू की शक्ल में देख सकते हैं। तो दोस्तों क्लिकिंग के बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है स्क्रॉलिंग। माउस पर एक छोटा सा व्हील मौजूद होता है जिसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं और इसके जरिए ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक से ज्यादा पेजेस मौजूद हों उनको आगे पीछे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल किया जाता है और इस अमल को स्क्रॉलिंग कहा जाता है। ड्रैगिंग। लेफ्ट बटन को माउस के लेफ्ट बटन को दबाने के साथ साथ माउस को एक जगह से दूसरी जगह घसीटने के अमल को ड्रैगिंग कहा जाता है और इसके जरिए हम स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। दोस्तों माउस वाहिद पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बल्कि माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका नाम है ट्रैकपैड। ये नाजुक सतह पर बनाया जाता है यानी ऐसी सरफेस जो फिंगर को महसूस करके उसके जरिए स्क्रीन पर मौजूद पॉइंटर को काबू करती है। इसके अंदर बिल्कुल माउस की तरह दो बटन मौजूद होते हैं जो माउस की तरह ही काम करते हैं। ये ज्यादातर लैपटॉप के साथ यूज किया जाता है लेकिन मार्केट में लैपटॉप के बगैर यानी डेडिकेटेड ट्रैकपैड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ये माउस से ज्यादा करामद होता है क्योंकि माउस के लिए हमें पूरे हाथ का इस्तेमाल करना होता है लेकिन ट्रैकपैड के जरिए हम एक या फिर दो फिंगर्स के जरिए माउस की तरह इसको काम करवा सकते हैं। ट्रैकपैड मल्टी टच को भी महसूस करता है यानी एक या फिर एक से ज्यादा फिंगर्स को एक दफा में महसूस कर सकता है। माउस की तरह दिखने वाली एक और पॉइंटिंग डिवाइस जिसका नाम है ट्रैकबॉल। ये बिल्कुल माउस की तरह दिखती है
माउस के नीचे जाने बॉल मौजूद होती है और ट्रैक बॉल के ऊपर की जाने बॉल मौजूद होती है, जिसके जरिए स्क्रीन पर मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट यानी पॉइंटर की हरकत को काबू किया जाता है। तो दोस्तों, फिर ट्रैक बॉल का फायदा क्या हुआ? माउस के लिए ज्यादा जगह दरकार होती है, यानी माउस को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देने के लिए एक तरह की स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन ट्रैक बॉल अपनी जगह पर मौजूद रहकर माउस की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों, मोबाइल फोन्स में यूज होने वाली जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसका नाम है टच स्क्रीन्स, टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। जब टच स्क्रीन्स पर फिंगर या फिर स्टाइलस की मदद से टच किया जाता है तो स्क्रीन पर मौजूद सेंसर उस इवेंट को सीपीयू को भेज देते हैं। इवेंट यानी किसी भी फाइल को खोलना, किसी भी तस्वीर को बंद करना या स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को छूने के अमल को इवेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए यूजर यानी आप डायरेक्टली स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को पॉइंट यानी उसकी निशानदेही कर सकते हैं, और इसके जरिए आपको किसी भी बीच की डिवाइस यानी माउस और ट्रैकपैड की जरूरत नहीं होती। आजकल मल्टी टच स्क्रीन्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं, यानी ऐसी स्क्रीन्स जो एक वक्त में एक से ज्यादा टच को महसूस कर सकती हैं, जैसे कि जूम इन और जूम आउट के फंक्शंस के अंदर हम एक से ज्यादा फिंगर्स को स्क्रीन पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। इसको ज्यादातर मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, एटीएम मशीन्स और आजकल लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको स्टाइलस की मदद से छुआ जाता है। स्टाइलस एक छोटी सी पेन शेप इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कंप्यूटर स्क्रीन को कमांड दी जाती है। पॉइंटिंग स्टिक, ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है, यानी ये दबाव को महसूस कर सकती है। जब इस पर प्रेशर डालते हैं तो ये फील कर सकती है कि प्रेशर किस सिम से डाला जा रहा है और उसी के मुताबिक पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव कराती है। ये बिल्कुल पेंसिल के पीछे मौजूद इरेजर की तरह दिखती है और इसको इस्तेमाल करने के लिए माउस की तरह इजाफी स्पेस यानी इजाफी जगह की जरूरत नहीं होती। ये लैपटॉप्स के साथ आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। डिजिटाइजिंग टैबलेट, डिजिटाइजिंग टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है और ये एक फ्लैट पैड पर मुश्तमिल होता है जिसके साथ एक स्टाइलस कनेक्ट होता है जिसकी मदद से आप तस्वीरों को बना सकते हैं और ये उन तस्वीरों को कंप्यूटर को दे देता है। इसके जरिए आप एक्यूरेट ड्राइंग्स बना सकते हैं, इसीलिए इसको मैप्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन, टच स्क्रीन से पहले 1960s में सबसे ज्यादा लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता था। ये बिल्कुल पेन की तरह दिखता है और स्क्रीन पर मौजूद किसी भी आइटम को सिलेक्ट यानी इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जब लाइट पेन पर मौजूद इस बटन को ऑन किया जाता है और लाइट पेन को स्क्रीन के ऊपर फेरा जाता है तो फोटो सेल्स उस स्क्रीन पर मौजूद इसकी मूवमेंट को सीपीयू को भेज देते हैं। लाइट पेन को सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी मदद से बहुत खूबसूरत और एक्यूरेट ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। इसको आम तौर पर प्रेजेंटेशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी मदद से क्योंकि ये एक लाइट को इमिट करता है, यानी इसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो किसी भी स्क्रीन पर मौजूद चीज को पॉइंट कर सकती है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नीचे वाले हिस्से को बेस और ऊपर वाले हिस्से को स्टिक कहा जाता है और स्टिक के जरिए स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को आगे, पीछे, दाएं या फिर बाएं घुमाया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो गेम्स में किया जाता है। पैन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स, पैन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाने का मेन मकसद ये था कि जिस तरह पेपर पर पेंसिल के जरिए लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की स्क्रीन पर पेन के जरिए आपकी हैंडराइटिंग को लिख सके और कंप्यूटर उस हैंडराइटिंग को कंप्यूटर के अंदर मौजूद टेक्स्ट के अंदर तब्दील कर सके।
जिसके लिए कंप्यूटर OCR सॉफ्टवेयर को यूज करता है। OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR को हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी तमाम पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगले लेक्चर में हम स्कैनिंग डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।